दोस्तों एक बात तो याद है कि हम हमेशा बचपन में लौट जाते हैं, हर कोई अपने बचपन में लौटता है। तो बचपन में क्यों लौटता है? क्योंकि बचपन के अंदर जब आदमी अपनी ज़िंदगी जीता था तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता था, वो दुनिया में मस्त नहीं होता था, दुनिया को नहीं देखता था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, खमागणी, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिंह राठौड़ और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे चैनल लाइफ विद राठौड़ में, आपका और आपके परिवार का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल और मस्त होंगे बिल्कुल। तो आज की कैंपिंग की शुरुआत हम लोग, या ओवर लैंडिंग की शुरुआत हम लोग करेंगे, घर से ही शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा दूर जाने का प्रोग्राम नहीं है। और जैसा कि सावन का महीना अभी चल रहा है और सावन के महीने में अगर दाल बाटी अगर नहीं हो राजस्थान के अंदर तो क्या सावन का महीना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की, जब तक आप देखते रहिए और आनंद लीजिए आज दोस्तों के साथ एक छोटी सी ओवरलैंडिंग और कैंपिंग का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। तो गाइज कैमरा हाथ में है, ट्राइपॉड हाथ में है, बाकी सामान अभी रख दिया है, थोड़ा सा सामान अभी और रखते हैं गाड़ी के अंदर। जब तक चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं, कीप एंजॉइंग, प्लीज कम विद अस। ये देखिए ये हम लोगों की आज की लोकेशन है। तो अभी हमने ये सेटअप दोस्तों, और जो और हमारी ये कैंपिंग की जो क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं, रेनबो कलर की जो अम्ब्रेला है आप दिखाएं, उसको टंगा दिया हमने ऑलरेडी। ये टार्प जो हमने ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं ये टार्प भी हम लोग, और बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों, वाटर प्रूफ है, ऑब्वियसली छाया तो रहती है, वाटर प्रूफ भी है। तो करते रहिए आनंद, जब तक हम भी करते हैं हमारा आनंद। तो गाइज ये देखिए आज का ये हमारा जो कैंपिंग लोकेशन है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये, और कार्रवाई चालू हो गई। कृपया कचरा नीचे ना करें, जहाँ पे भी कैंपिंग करते हैं कचरा कभी भी नहीं करना। साथ में हमारे पास कैरी बैग भी साथ में लेके आए हैं, तो इसमें से निकाल दीजिएगा ताकि जितना भी कचरा हो उसमें से डाल के और उसी में हम लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर लें। करुण जी आपका क्या कहना है आज दाल बाटी के बारे में? आज की दाल बाटी थोड़ी स्पेशल होने वाली है। ओके क्योंकि वाइफ से 100 मीटर की दूरी पे अकेले दाल बाटी बनाना अपने आप में एक ढेर है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम ये ढेर कर रहे हैं, वो भी घर पे बता के कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों अब आपको बताया था कि हमारे तीन फ्रेंड्स और साथ में रहेंगे, ये हैं करुण सिकरवार जी, ये है अंकित अग्रवाल जी, और ये हमारे हिजाइनेस केशव कटारे जी। तो कटारे साहब आपका क्या कहना है आज की कैंपिंग के बारे में? सर कैंपेन में यही है कि बहुत जिंदा दिली का काम है, चैलेंज है, ये लाइव होने जा रहा है। की बात बोलना चाहूँगा खाली कि जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पे उदासी कैसी, वक्त तो बीत रहा है, उम्र की ऐसी तैसी, मजे करो, एंजॉय करो, आराम से जियो। वाह वाह, ये है कटारे साहब का अनुभव, और बहुत ही शानदार एक कहावत कह दी है, बहुत छोटी सी बात कही है, बात बहुत अच्छे लफ्जों में कही है, पर जो सुन रहा है वो अर्थ निकाल सकता है। तो गाइज ये है, हम सभी लोग प्रोफेशनल्स हैं, सब आपके जैसे बहुत सारे जैसे लोगों के जैसे हम प्राइवेट जॉब में हैं, बट आज का जो संडे मिला है, संडे हम लोगों का है काम के साथ काम, और उसके बाद ये जो एन्जॉयमेंट है ये हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं, हम ही लोगों के साथ दोस्तों के साथ में। अब ये देखिए ये प्याज व्याज कटना चालू हो गया है, और वो सोने का टुकड़ा बताइएगा कहाँ पर है। तो आज की हालत अगर देख के है तो ये एक टमाटर हमको मिला है, ये देख लीजिए अभी, सोच लीजिए, मतलब आप देख लीजिए साथियों गौर से, अगर आप ये वही टमाटर है जो आज की डेट में बहुमूल्य हो चुका है, पेट्रोल से भी महंगा है। हाँ बिल्कुल, और ऐसा भी कह रहे हैं करुण जी, एकदम बिल्कुल शिद्दत से लगे हुए हैं बाटी का आटा लगाने में। तो अब करुण ने बोला है कि लहसुन, तो हम लोग अभी लहसुन अब छिलना चालू कर देते हैं,
ये मिर्ची कट रही है अभी। विक्रम सर एक मैसेज और लगेगा। यस मैसेज ये है कि बेटे ने पूछा कि क्या पापा क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बोला है कि बेटा खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इसलिए नहीं कि आपके पास में खुश रहने का कारण है, इसलिए क्योंकि आपके खुश न रहने से दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, मौज करो, व्यस्त रहो। बिल्कुल, ये ऐतिहासिक दिन है जब एक लहसुन की कली लेके और ये बैठे और आज छील रहे हैं। और एक सीक्रेट बता दूं मैं, इन्होंने इसका आउटपोस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो बैठा है वो इनका इम्पोस्टर है। हाँ, तो ये देखिए, ये आज बिल्कुल लहसुन वसन पूरे छिले जा रहे हैं। कुकर की सीटी आपको पीछे सुनाई दे रही होगी और जस्ट बस कुछ ही देर में शानदार दाल बाटी आप सभी लोगों के साथ पेश की जाएगी। और ये है असली सावन दोस्तों। और डियर यू आर इनवाइटेड, जहाँ भी हो चले आओ, आ जाओ, मजा करेंगे। तो अंकित जी आपका क्या कहना है? आज संडे मतलब पूरी तरह से एंजॉय हो रहा है, है ना? और ऐसा संडे महीने में रोज नहीं, हर हफ्ते नहीं तो दो बार तो आ ही जाए तो अच्छा है। ये अंकित जी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल, देखिए ये फटाफट चॉपिंग हो रही है। क्या लहसुन? लहसुन छील का चॉप किए जा रहे हैं, छील गए हैं। ओके ओके, हमारे कटारे जी ने छील दिए थे तो हम चॉप करने। तो मतलब आज हम ये चार लोग हैं, तो मतलब चारों चालू हो गया है, चारों लोगों में ये साबित हो गया है कि हम सब लोग अच्छा खाना बना लेते हैं। अब मुद्दा ये है कि हम लोग घर पे बनाते नहीं बनाते, ये तो बाद में जो लोग देख रहे हैं घर से वीडियो वही बता पाएंगे कि हम लोग घर पे कितना डाल देगी। क्या बोल रहे हैं आप? हो सकता है आज रात का खाना अपडेट कर देगी। ओके ओके, हो सकता है आज रात का खाना हम लोगों को खुद बनाना पड़े घर पे भी। हाँ तो चलो अच्छा है, कम से कम एक चीज़ एडवांसमेंट में और चली जाएगी। तो गाइज ये अब नया एक इनोवेशन है और जो भी कैंपिंग करते हैं वो लोग जानते हैं इसको। ये अप्पे मेकर है बेसिकली, और इस अप्पे मेकर में ये बाटियाँ बनेगी। और हमने ऑलरेडी दो तीन बार पहले भी ट्राई कर लिए और कुकर में ऑलरेडी दाल हमारी उबल चुकी है, तो इसको अभी थोड़ी देर इधर रख के और अब शुरुआत करते हैं हम लोग बाटियों की। बाटियों की पूरी तरीके से फ्लेम भी बराबर मिलती रहे, तो ये जुगाड़ एक टेम्प्रेरी हम लोगों ने कर रखा है जिससे कि फ्लेम्स नहीं आए पूरी। तो अभी हम लोग चालू कर देते हैं हमारी, अभी बाटी स्टार्ट हो रही है कुकर को स्टार्ट। हम लोग जो हमारा अप्पे मेकर है उसको चालू कर देते हैं, बाटियां अभी बनना तैयार हो गई है। एक बार शुरू में हम लोग थोड़ी सी आँच हल्की सी रखेंगे और उसके बाद फिर उसको हम लोग सिम पे चला के और फिर हम पूरी बाटियां हमारी तैयार करेंगे। ऊपर ढक देते हैं, जब तक ढक्कन। तो गाइज ये आज की जो ये कैंपिंग हो रही है पूरा श्रेय करुण जी और कटारे जी को जाता है इस चीज़ का। और पूरा संडे इसी तरीके से हम जब भी मौका मिलेगा, तो अभी तो सावन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद सर्दियां। राजस्थान में थोड़ी सी तकलीफ दे गर्मियां होती जो ऑलरेडी निकल चुकी है, भगवान की इस बार मेहरबानी बहुत है कि दबा के बारिश राजस्थान के अंदर हुई है पूरी। और ये हल्का सा सिम कर दिया है, आप देख सकते हैं ये बाटियां ऑलरेडी, क्योंकि घी लगाना ज़रूरी है ताकि बाटियां चिपके नहीं बीच में। और ये देख ली खुशबू, आपको शायद कैमरे में तो ऑब्वियसली है कि नहीं आएगी खुशबू इतनी शानदार, आएगी कैमरे में आएगी, जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। बिल्कुल AI बेस ये बाटियां आप देख सकते हैं बिल्कुल, इसको ढक लगा दिया है 5-5 मिनट में। बस ये है कि इसको हमको जैसे कि हम लोग बेटी के ऑन में देखना पड़ता है बार कहीं यहाँ किस तरफ से हमको पलटनी पड़ती है, वो पलटनी पड़ेगी। कटारे साहब आपका अनुभव क्या बोलता है इन बाटियों का? अभी विक्रम सर ने बोला कि हम मिलेंगे करेंगे, तो ये मस्त मौला होकर जीले जिंदगी आज, मस्त मौला होकर जीले जिंदगी आज, कल का क्या कल की फिक्र कल करेंगे, वाह मजा कर ले। तो ये है हमारे कटारे साहब जो हर बात पे जिनको शायरी आती है, और जैसे हम सब लोग एक ही कंपनी में हैं और ऑफिशियली हम जब भी मिलते हैं तो दिन में हम दो शायरियाँ सुबह सुनते हैं, दो शायरियाँ शाम को सुनते हैं इनसे, और हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहता है। और इसी तरीके से अभी सावन का एंजॉय और लेंगे फैमिली के साथ, कोशिश करेंगे अगली बार हमारी फैमिलीज भी साथ में हो, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं शायद कि आसपास अगर कोई ये लोकेशन हमको मिल जाती है जहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पर अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे ढूंढी नहीं जाती बेसिकली, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ अपॉर्चुनिटी आपकी जनरेट हो जाती है, क्रिएट कर ली जाती है। तो कटारे साहब मैं करुण जी और अभी तो फिलहाल लगे हुए हैं, एक साथी है जो दूसरा अभी छाछ लेने और गया हुआ है, क्योंकि जितनी छाछ हम लाए थे वो उतनी हम पी गए अभी। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि हम सिर्फ 100 मीटर दूरी पर ही हमारे घर से हम ये कैंपिंग कर रहे हैं, खाना घर पर खाया जा सकता था।
बट इस खाने की और इस कैंपिंग की बात ही अलग है। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौर। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, जरूरी नहीं सबको पसंद आए, हम अपने अंदाज में मस्त हैं। आपको हमारा अंदाज पसंद आए लाइक कीजिए और नया वीडियो आप भी बना करके शेयर कीजिए। गुड बाय। यानी आज हम ये दाल में थोड़ा सा पानी कम रह गया, दाल उबल गई है लेकिन थोड़ा सा गाढ़ी रह जाएगी, इसलिए हमें पानी अलग से थोड़ा सा और उबालना पड़ेगा। तो पानी हमारा आ गया है और आज एक हम स्पेशल आइटम बनाने वाले हैं। इसमें हम रॉ लहसुन को एज ए स्नैक्स की तरह ट्राई करेंगे। ये मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने सिखाया था, रॉ लहसुन का हम डायरेक्ट स्नैक्स बनाएंगे। कि ये बिना छिलका भी इसका नहीं उतारा है, इसको हम आपको बना के दिखाएंगे, फिर इसको खा के देखिएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ अदर देन सब्जी ये सभी लहसुन चारों आदमी ख़त्म कर देंगे और हो सकता है थोड़ा कम भी पड़ जाए। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। गाइज ये देखिए, जैसे कि आपको बता रहे थे, लहसुन को बिना छिलका उतारे हम इसको घी में फ्राई करेंगे। हल्का सा इनमें से पटपट की आवाज़ आएगी, थोड़ा सा ये फटेगा, हिलाएंगे। गाइज ये देखिए, हल्का सा ये घी के अंदर इन्होंने लहसुन को डाला है, ये देखिए। इसको हम ऐसे स्नैक्स खाने के लिए आज बना रहे हैं। तो जैसे कि लाल लहसुन की चटनी होती है, आज चटनी नहीं बना के हम लहसुन फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए इसमें क्या कलाकारी करुण जी करते हैं इसमें। और ये आप रॉ खा सकते हैं, इसमें सिर्फ सॉल्ट डलेगा, वो भी थोड़ा सा। और जो हार्ट के पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर लहसुन खाने के लिए बोलता है, उनके लिए बहुत हेल्दी है। आप इसको रख के रखिए, आप खाने के साथ खाइए। तो ये देखिए गाइस, ये है घरेलू नुस्खे भी हैं जो दादी माँ के सीख लिए हैं करुण भाई ने। और अभी ये देखिए शानदार एकदम खुशबू आ रही है इसकी, आप देख सकते हैं ये। और इसका हमने छिलका नहीं उतारा अभी भी। ये देखिए, ये करुण भाई हल्का सा नमक डाल रहे हैं इसके अंदर ताकि हल्का क्रिस्पी और सॉल्टी हो जाए। और ये देखिए, जंक फूड खाने से तो लाख लाख गुना अच्छा ये है कि हम लोग इस टाइप की कोई भी ये घरेलू नुस्खे वाली, दादी माँ के नुस्खे वाली चीज़ें बना बना के खाएं। पूरी हर्बल कैंपिंग आज हम लोगों की हो रही है, आप कह सकते हैं हर चीज़ जो है आयुर्वेद से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा आयुर्वेद प्रो लोग हैं हम लोग, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो इसके बाद करुण भाई अपना क्या रह जाएगा, सिर्फ दाल फ्राई? दाल हमें फ्राई करनी है। और अभी हमें क्या है कि डिसाइड करना है कि दाल मैं फ्राई करूंगा कि कटारे जी फ्राई करेंगे, क्योंकि चाहे कैसी भी दाल बने कटारे जी के कमेंट आने ही आने हैं। तो कटारे जी आज दाल फ्राई भी करेंगे। एज ए मैनेजमेंट सॉल्यूशन ये सजेस्ट करूंगा कि दाल फ्राई का बिजनेस कटारे जी को दे दिया जाए। ओके, तो करुण ने ये बोला कि ये नींबू अभी डालना है क्या, मसाला पक रहा है, नींबू अभी नहीं डालना है, नींबू को दाल को बघारने के बाद के अंदर डालेंगे, फुल टेस्ट आएगा। अंकित जी को और मेरे को दोनों को खाने का बड़ा शौक है, जैसे हम सभी लोगों को होता है। करुण भाई और कटारे जी को बनाने का बड़ा शौक है। तो ये देखिए, इसमें आप एक और चीज़ देखिए फ्रेंड्स, जो दाल हमने बनाई है घी में बनाई है। आप लोगों को कभी भी दाल का यदि एक्चुअल टेस्ट लेना है, आप इसको घी में फ्राई करिए। मसाले अपनी जगह, खुशबू अपनी जगह, लाइफ अपनी जगह। दोस्तों एक बात तो याद है कि हम हमेशा बचपन में लौट जाते हैं, हर कोई अपने बचपन में लौटता है। तो बचपन में क्यों लौटता है, क्योंकि बचपन के अंदर जब आदमी अपनी ज़िंदगी जीता था तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता था, वो दुनिया में मस्त नहीं होता था, दुनिया को नहीं देखता था, बचपन की अपनी दुनिया है। तो फ्रेंड्स हम बचपन की दुनिया तो नहीं ला सकते, लेकिन छोटी सी दुनिया ला सकते हैं। सो वी आर एंजॉइंग हियर, ये छोटी सी दुनिया है। रिक्वेस्टेड टू ऑल, एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और एक एक मस्त वाला वीडियो बनाकर अपलोड करते रहो। जो आप कटारे साहब बोल रहे हैं, अगर वो वीडियो आप अपलोड करके तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट ये जो हम लोग लाइफ अभी कोशिश कर रहे हैं करने की, कि इसके अंदर पार्ट है एक लाइफ का, कि कैंपिंग वैम्पिंग करने का, आप अगर कहीं से भी आपको अच्छा लगता है और अगर आप हमारे साथ ये शेयर करते हैं हमारे चैनल लाइफ विद राठौड़ में, तो हमको अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट हम लोग भी आप लोगों के परिवार में कहीं ना कहीं छोटी सी खुशियाँ बांट पाए उस चीज़ को लेकर।
करुण सर ने मिर्ची डाल दी है, लाल मिर्च है, राजस्थान की खासियत है, धनिया डालिएगा आप। और ये मिर्च मथानिया की ओरिजिनल मिर्ची है, लाल मिर्च। देखिए दोस्तों, मथानिया की मिर्ची बहुत सारी जगह लोग बोलते हैं मथानिया की मिर्ची यूज़ होती है, बट आज की तारीख में बहुत कम लोगों को वहाँ पे अवेलेबल होती है। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कितना शानदार तरीके से मसाला अभी तैयार हो गया है थोड़ा। और ये देखिए, बस देखिए सर, कैमरे में खुशबू नहीं आएगी, खाली रौनक आएगी। आप रौनक देखिएगा, खुशबू हमारे पास है। और यही खुशबू लेना चाहते हैं आप, अगर विक्रम ने बोला अभी कि आप वीडियो शेयर कीजिएगा। करुण भाई बिल्कुल तैयार है, पान मेथी के साथ हमें है। ये दाल आपकी रेडी है, आपको ऐसी दाल कहीं नहीं मिलेगी, और दाल मिलेगी तो ऐसा माहौल नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आपको अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये देखिए, जिद्दोजहद चल रही है अभी बिल्कुल। कटारे साहब, और कटारे साहब ने ये बाटियां जो आज सेकी और मैरिनेट करी है, बिल्कुल ये देखिए क्या बोलते हैं, पता नहीं कोई क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, आई डोंट नो। बाटी देख लो आप, नहीं मिलेंगी मतलब नहीं मिलेंगी, मिल जाए तो यूट्यूब शेयर कर देना, ये गाड़ी फ्री कर दूंगा, तो गाइज हम लोगों की अभी बाटी तैयार हो चुकी है, ये देख लीजिए। और ये दमादम घी डाल दिया है कटारे साहब ने बिल्कुल इसके अंदर। और ये गाय का देसी घी, घर पे निकला हुआ घी है, जो हम लोग किसी रिलेटिव के वहाँ से मंगवाते हैं। तो ये कटारे साहब ने कर दिया है इसको, बाटियों को एकदम लबालब, ये देख लीजिए बिल्कुल आप, ये देखिए। तो लोग हमें पागल कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, लोग हमें पागल कहते हैं, हम पागल नहीं, हम मस्त मौला हैं, हम मजे करते हैं, हम जिंदगी जीते हैं। वाह वाह। तो आज सुबह से क्या है कि जब से, सुबह तो नहीं कह सकते, दोपहर से हम लोग बड़ा शायराना अंदाज में हम लोग यहाँ पे आज ये कैंपिंग कर रहे हैं। और दोस्तों मानिएगा नहीं, बहुत सुकून देती है जब वक्त निकलता है अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। बाहर निकलिए कि दोस्तों के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते रहिए। आप खुश रहेंगे तो मेंटली और फिज़िकली आप अगर ऐसे चलते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। विक्रम शाह ने बोला, तो दोस्तों दर्द कहता है जख्मों का समंदर बन जा। दर्द कहता है जख्मों का समंदर बन जा, दोस्ती कहती है मस्त कलंदर बन जा। हम मस्त कलंदर हैं, मस्त मौलाए हैं, हम कल की बात कल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और कहीं पे भी अगर आप खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं आपको भी ये चीज करनी चाहिए, तो दोस्तों कर लीजिएगा फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, क्योंकि क्या है, जब तक सोचते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और देखिए हम लोग भी कोई बहुत बड़े कोई यूट्यूबर नहीं है, बट हाँ एक शौक है, अपना शौक को हमेशा आगे रखिए, काम को भी साथ में रखिए, और ज़िंदगी ऐसे ही जीते रहिए ताकि मस्त स्ट्रेस फ्री होकर आप ज़िंदगी जीते रहें। बिल्कुल करुण जी कुछ कहना चाहेंगे, आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मन तो कहूँगा यदि आप थोड़ा आगे आएंगे तो आप आगे आएंगे तो देखिए, वीडियो पसंद आता है शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। एक छोटी सी कोशिश है जिसको विक्रम जी आगे बढ़ा रहे हैं, तो लाइफ विद राठौड़, कीप वॉचिंग। दोस्ती के लिए, दोस्तों जिंदा दिली के लिए, मस्त कलंदरों के लिए मैसेज है। ये कुछ बड़ा बनाने नहीं जा रहे हैं, आपको वापस रिपीट कर रहे हैं, हम हमारे घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हैं, 100 मीटर के ऊपर हम चारों के घर हैं। हम ये मैसेज है कि 100 मीटर घर की दूरी के बाद भी आप मजा कर सकते हैं, मौज कर सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। सो करुण बोलता है लाइक करो, करुण बोलता है सब्सक्राइब करो, करुण बोलता है शेयर करो। हम ये बोलेंगे दोस्तों एक वीडियो बना करके मस्त कलंदरों का अपना भी हमारे साथ शेयर करो, और आप भी अपलोड करो। ये बिल्कुल पूरा चल रहा है चीज़ें अभी तक, और बार बार जैसा कि अभी सुबह से जब से हम लोग यहाँ पे कैंपिंग स्टार्ट की है, अभी 3-4 बार हम लोगों ने हमारा ये नाम ले लिया है कि हम लोग घर से 100 मीटर दूर हैं। दोस्तों कहने में बहुत अच्छा लग रहा है,
जो शादीशुदा है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि अभी 100 मीटर दूरी पे अभी सब लोग यही देखेंगे कि हाँ ये 100 मीटर दूरी पे अगर ये मजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी के घर वालियों ने परमिशन दी है हम सबको, वाइफ लोगों ने, कि आप जाइए आराम से खाना बनाइए, वो भी आज रिलैक्स हैं। और ये वीडियो देखने के बाद ये श्योर है कि हमारे जो इंटेंसिटी है खाना बनाने की घर पे, फिलहाल हम बनाते हैं, आप माने ना माने हम एक्सेप्ट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हम लोग भी हमारे गृह कार्य में दक्ष गौर वर्ण लड़के लोग हैं जबकि ये काम करते हैं, और इसके बाद इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो आप भी शर्माएं नहीं, जो हैं वो दिखाएं, जो नहीं है वो ना दिखाएं, ऐसे ही एंजॉय करते रहे अपने लाइफ। टिल देन कीप वॉचिंग लाइव गुजरात। तो अभी हम लोगों ने सबने हमारा खाना रेडी हो गया है, ऑल आर फ्रेशन अप, दाल सबकी अंकित ने सर्व कर दी है। आपने सब जगह देखा होगा ये हमारी दाल है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा दाल है जो कटारे जी के लिए हमने एक्स्ट्रा रखी है क्योंकि उनको दाल पीने का शौक है, लास्ट के अंदर ये थोड़ा सा दाल एक्स्ट्रा चाहिए। ये बाटी जो कटारे जी ने पूरी लबालब घी में भरी थी, अभी आप इसको देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी घी नहीं है, ये सारा का सारा घी ये बाटियाँ पी चुकी है, और अभी ये बाटियाँ फुल ऑफ कैलोरी है, फुल ऑफ एनर्जी है, एंड आई विल से फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ अवर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ अवर लव एंड बिकॉज ऑफ अवर फ्रेंडशिप, नॉट कैलोरीज। तो ये है छाछ तैयार है हम लोगों की पूरी पूरी, और दाल बाटी तैयार है साथ में टॉपिंग्स। ये है रतलामी, बिना रतलाम के हम लोग राजस्थानी चलते नहीं है एक्चुअली, जिसको स्पाइसी पसंद है वो खाता है पूरा पूरा रतलामी सेव साथ में डाल के बिल्कुल। तो आज ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा लीजिएगा, और अगर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये जो पूरी कैंपिंग है आपको कैसी लग रही है। हम लोग हमारा बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं आज। कुमाऊ जी अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं हमको, हमारे कुकिंग के टेस्टिंग एक्सपर्ट हैं ये, बिकॉज ही इज़ द वन हु कमेंट वेदर इट इज़ राइट और वेदर इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, वी कॉल्ड हिम फॉर स्पेशल मसालाज के कहाँ पे कमी है, तो उसके सारे एक्सपर्ट हमारे कुमाऊ जी हैं। तो कुमाऊ जी को हमने स्पेशली सिर्फ चखने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि आज यहाँ पे खाना खा के टेस्ट करके बताएंगे कि वेदर इट इज़ एज पर हिज स्टैंडर्ड और नॉट, फर्स्ट क्लास है गाइस। मतलब आप ही मौज करते रहिए ऐसे, और मौका लगे तो जब जब आपको मौका लगे तो आप ऐसे ही पार्टी करिए, कैंपिंग करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करिए, ताकि आपका संडे निकले भरपूर मज़ेदार। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड, एंजॉय विद राठौड, एंजॉय संडे विद राठौड। अभी एक प्लानिंग हम लोगों की चल रही है, वो कार कैंपिंग नहीं है, होपफुली शायद अगले आने वाले 5-7 दिनों में हम लोग एक पूरे जो हम लोग साथी लोग हैं, पूरे फैमिली वाले लोग हैं, जितने दोस्त हैं हम लोग जो सब एक साथ काम करते हैं, तो एक फैमिली डिनर का हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, तब आपको बताएंगे। स्पेशली हम लोगों ने बाहर से एक कुक बुलाया है, बाहर से अजमेर से स्पेशली, जैसा कटारे साहब ने बोला है कि अजमेर की बाटी फेमस बाटी है, उनको बुलाया है। उसके उस दिन हमको पता लगेगा कि बाटियाँ कितने प्रकार की होती है, चूरमा कितने प्रकार का होता है, वो हम लोग पूरा पूरा आपको उस दिन ब्लॉग दिखाएंगे। दैट इज अ पार्ट टू, यस दैट इज अ पार्ट टू, एंड स्टे ट्यून। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जब तक जहाँ मौका मिलता है अपनी लाइफ को एंजॉय करिए अपने दोस्त और फैमिली के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। और ये अपना कैंपर वैन है, ये पूरा सारा चीज़ें देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट था फोल्डेबल, और ये फोल्डेबल सीटिंग अरेंजमेंट था जो वापस हम लोगों के वापस, एक बार आप साइड में रख दीजिए, बाद में हम लोग उसको पूरा आप गाड़ी को भी सेट करेंगे, क्यों, क्योंकि अभी ये लम्हे ज़िंदगी में दोस्तों वापस नहीं आते हैं। अगर आप बात करें उस चीज़ की तो ये लम्हे वापस नहीं मिलते हैं, क्योंकि यादें तो यादें ही रहती है। देख सकते हैं ये लोकेशन है हम लोगों की, सारी चीज़ें कैंपिंग जो करी हम लोगों ने, सारी चीज़ें जुगाड़ पे करी हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लोगों के पूरा अगर सेट नहीं हुआ था तो लैडर हमको अवेलेबल हो गया, तो लैडर पे लगा के ये पानी जहाँ पे पूरे बर्तन हम लोगों ने धो दिए हैं, और ये हम लोगों की कैंपिंग है, ये देख लीजिए, ये लोकेशन है, और ये है हम लोगों का वाटर टैंक। हमने पैक कर दिया है,
ये टेंट हमारा अपने बैग में चला गया है, इसकी रॉड्स अपनी बैग में आ गई है, ये देखिए ये अंदर ये रॉड पड़ी हुई है हमारी, और जो ये टेंट है ये इतना सा है, सिर्फ एक मेहनत है कि आप इसको ऑनलाइन खरीदें, अपनी गाड़ी में यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। डीकैथलॉन पे ये मिलता है, अगर जो शौकीन हो स्पेसिफिकली टेंट का या कैंपिंग करने का शौकीन हो गाड़ी के लिए, इसको टार पे अगर आप ढूंढेंगे डीकैथलॉन की साइट पर जाके तो बहुत रीजनेबल रेट में है, बट बहुत बेनिफिशियल है। हम लोग तो अभी अपना एक पर्सनल और भी कर रहे हैं, तो हम लोग आज 5 लोग हैं एक साइड में, थोड़े से छुपे हुए हैं हल्के से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कटारे साहब, करुण को और अंकित को और कुमार साहब को कि इस वीडियो को जानदार और शानदार बनाने के लिए ये सभी लोग हैं जिन्होंने अपना अपना अलग अलग तरीके से योगदान दिया है। सिर्फ इतना सा आपको कहना चाहेंगे कि जितना इतने देर से बात कर रहे थे, अगर आपको ज़िंदगी जीनी है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जीजिए। हर आदमी का जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हुई हैं, पर इसी तरीके से अगर आप एंजॉय करते रहेंगे, हर संडे जब वक्त मिले आप अपना वक्त निकाल के अपने को साथ में बिताइए, तो हमेशा खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफ विद राठौड़। आज का जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ मिस्टर विक्रम राठौड़। मैं भगवान से दुआ कर दूंगा कि हर फ्रेंड्स ग्रुप में एक राठौड़ हो, इसी तरह से जो लोगों को आगे लेके जाए, उनको मजे कराए, उनको इंजॉय कराए, उनको साथ में रखे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ विक्रम। तो मैसेज इज, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये जिंदगी तुम्हारी है दोस्तों, इसको अपने स्वभाव में जियो।